स्पेस ट्रेवल जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेस ट्रेवल की शुरुआत हमने तभी से शुरू कर दिया था जब पहली बार हमने चांद की सरफेस में अपना कदम रखा था, और तब से आज तक लगातार हमारे साइंटिस्ट स्पेस ट्रेवल की नई नई टेक्निक पर काम कर रहे हैं। और चांद के बाद हम इंसानों का अगला मिशन है मार्स। हमारे साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग हम मार्स यानी मंगल ग्रह पर बस्ती बसा सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश जारी है। पर यारो, हमारा सफर सिर्फ मंगल तक ही नहीं रुकने वाला, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें अपने प्यारे पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो पहले आप इस इमेज को देखो। ये है आज की सोलर सिस्टम, जिसमें हैबिटेबल जोन पृथ्वी और मंगल के पास है। पर भाइयों, आज से अप्रोक्स 12.5 बिलियन ईयर्स यानी 1250 करोड़ साल बाद हमारे सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन शिफ्ट होकर जुपिटर एंड सैटर्न के पास चला जाएगा, क्योंकि तब हमारा सूरज एक विशाल लाल दानों का रूप ले चुका होगा। मतलब कि 12.5 बिलियन साल से पहले ही हमें अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इंसानी प्रजाति का इस ब्रह्मांड में नामो निशान भी नहीं रहने वाला। तो ये तो कन्फर्म है कि हमें आने वाले कुछ बिलियन सालों में हमें हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा। पर यार, आखिर हम इस सोलर सिस्टम को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वेल, ये तो आपको आगे पता चल जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम या चैलेंज होगी स्पेस ट्रेवल। देखो, अभी तक हमारे इस विशाल यूनिवर्स में लाइट ही एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड सबसे फास्ट है। पर यार, यूनिवर्स के लेवल पर जाके देखोगे तो आपको लाइट की स्पीड कुछ भी नहीं लगेगी। मान लो हमने फ्यूचर में कोई ऐसी स्पेसशिप बना ली है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। पर भाइयों, इस स्पीड से भी अगर हम ट्रेवल करें तो हमें हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक वाले सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा बी सेंटुरी तक भी पहुंचने में करीब 4.2 इयर्स का समय लगेगा। और अगर प्रोक्सिमा बी सेंटुरी सोलर सिस्टम हमारे रहने लायक ना हुआ तो हमें किसी दूसरे सोलर सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, और इसमें भी कई सालों का समय लग जाएगा। बट वेट ए मिनट, क्या हम लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप को बना सकते हैं? और क्या हमारा इंसानी शरीर 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर पाएगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर कैसे हम इस विशाल ब्रह्मांड में स्पेस ट्रेवल कर पाएंगे? तो यार, वो बताता हूँ। रुको जरा, सबर करो। चलो मान लो फ्यूचर में हमने ऐसी स्पेसशिप बना ली है जो लाइट की स्पीड यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करे, और इतनी स्पीड से हमें ट्रेवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हमारा अगला चैलेंज होगा इंसान की एज यानी उम्र। मान लो हमारे पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर एक दूसरी पृथ्वी है, और अगर हमें वहां तक जाना है तो हमें 100 सालों का समय लगेगा। पर हम इंसानों का तो एवरेज एज 80 साल का ही होता है, मतलब वहां जाने से पहले ही हमारी डेथ हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, अगर हम स्पेसशिप में ही अपने बच्चों को पैदा करें तो हम नहीं तो हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएगा। बट ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत अधिक मात्रा में खाना और पानी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब यारो, ऐसे में अगर हमें स्पेस में लंबी ट्रेवल करनी है तो हमें हमारे शरीर को एक ऐसे स्टेट में ले जाना पड़ेगा जहाँ से हमें समय के बीतने का पता ही न चले। मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसमें समय तो बीत रहा होगा लेकिन समय के बीतने के साथ हमारे शरीर में कुछ भी बदलाव ना हो। और इस स्टेट को हमारे साइंटिस्टों ने हाइबरनेशन स्टेट का नाम दिया है। अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि कई सारे एनिमल्स एक पर्टिकुलर सीजन के आने पर वो खुद को हाइबरनेशन स्टेट में ले जाते हैं, एंड जैसे ही वो सीजन चला जाता है तो वो हमें वापस से दिखाई देने लगते हैं। एग्जांपल के लिए स्नेक को ही ले लो। जैसे ही ठंडी पड़ती है तो हमें स्नेक दिखाई नहीं देता, क्योंकि सांप विंटर सीजन में खुद को हाइबरनेशन स्टेट में ले जाता है, या यूं कहे वो खुद को डीप स्लीप स्टेट में ले जाता है। हाइबरनेशन स्टेट में बॉडी की मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, ऑक्सीजन रेट कंजप्शन काफी स्लो हो जाती है। ऐसे में काफी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ये एनर्जी अपने फैट से कंज्यूम करता है। दैट मींस हाइबरनेशन स्टेट में एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफी स्लो हो जाती है, और बिना खाए पिए कई दिनों या महीनों तक जिंदा रह सकता है। स्क्वेरल यानी गिलहरी तो आपने देखी ही होगी, काफी प्यारी लगती है। पर मैं आपको बता दूं कि जनरली गिलहरी का दिल एक मिनट में 200 बार तक धड़कता है, लेकिन जब गिलहरी हाइबरनेशन स्टेट में रहता है तो उसका दिल एक मिनट में केवल 3 बार ही धड़कता है। तो अगर मैं इंसानों की बात करूं तो हाइबरनेशन स्टेट या डीप स्लीप स्टेट में जाना एक ऐसी टेक्निक है जहां पर जाने के बाद हमें समय का पता ही नहीं चलता। अगर समझे तो कोई बात नहीं यारो, आपका दोस्त फैक्ट जी कहना। देखो, जब भी आप रात को सोते हो तो फिर डायरेक्ट मॉर्निंग में ही उठते हो, और अगर इस बीच आपको कोई ड्रीम ना आए तो हमें ऐसा लगता है एक पल पहले ही तो रात था और अब इतनी जल्दी सुबह हो गई। तो भाई, कहने का मतलब यही है कि जब भी हम सोते हैं तो हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं लगता। तो ठीक इसी तरह हाइबरनेशन स्टेट में जाने के बाद भी हमें टाइम का पता नहीं चलता। अब जरा ये सोचो कि क्या होगा अगर हम इंसानी शरीर को हाइबरनेशन स्टेट में ले जाएं, क्या होगा अगर हम इंसानी शरीर को 100 साल या 500 सालों तक सुला के रख दें। अब अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए स्पेस ट्रेवल कोई बड़ी चैलेंज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब मान लो हमें स्पेस में 200 सालों का ट्रेवल कर कहीं जाना है, तो क्योंकि हमारी एज 200 साल नहीं होती तो ऐसे में हम खुद को हाइबरनेशन स्टेट में ले जाएं तो हम आसानी से 200 सालों का सफर कर सकते हैं। हाइबरनेशन स्टेट में हमारे शरीर को एक कैप्सूल यानी चैम्बर में रखा जाएगा जिसमें हमारा शरीर बिल्कुल ही सही सलामत रहेगा, लेकिन हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। मतलब हमारी आंख अब 200 साल के बाद ही खुलेगी। दैट मींस हाइबरनेशन स्टेट में जाने के बाद 200 साल ऐसे बीतेगा जैसे कि बस एक रात ही गुजरी हो। तो यार, अकॉर्डिंग टू
टू मी, हमारे फ्यूचर में ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। और अगर आप हॉलीवुड की साईफाई मूवीज के शौकीन हो तो आपने किसी न किसी मूवी में ऐसी कहानी जरूर ही देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल साल 2016 में आई मूवी पैसेंजर हाइबरनेशन टेक्निक पर ही आधारित है, तो उस मूवी को भी जरूर देखना। उस मूवी में हमें यह दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी स्पेस क्राफ्ट है जिसमें कई सारे लोगों को हाइबरनेशन स्टेट में डालकर किसी दूसरे प्लेनेट में भेज दिया जाता है। उस स्पेस क्राफ्ट में हाइबरनेशन चैम्बर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन लोगों की नींद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ही खुले। अब देखो, आपको सुनने में ये जितना आसान लग रहा है, रियली में वो हमारे लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे हाइबरनेशन स्टेट में जाने के बाद हम जिंदा ही उठेंगे, हमारी मौत नहीं होगी। देखो, हाइबरनेशन स्टेट में जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, पहले शॉर्ट टर्म रास्ता और दूसरा लॉन्ग टर्म रास्ता। शॉर्ट टर्म वाले रास्ते के अनुसार हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को काफी स्लो कर दिया जाएगा, दैट मींस कि हमारे बॉडीज की सारी एक्टिविटीज को स्लो यानी धीमा कर दिया जाएगा, लाइक हमारे ऑक्सीजन कंजप्शन रेट और हार्ट बीट रेट को काफी कम कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारा शरीर 6 महीने के लिए हाइबरनेशन स्टेट में जा सकता है। अब ये शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट मार्स पर जाने के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाने के लिए करीब 6 महीने का समय लगता है। तो यारो, ऐसे में हम पलक झपकते ही मंगल ग्रह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन को तो हम आने वाले कुछ सालों में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी डेथ नहीं होने वाली बल्कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। बट यारो, लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन को अचीव करना शायद हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन में हमें हमारे बॉडीज की पूरी एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा, यहाँ तक कि हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन को भी रोकना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हम अपने बॉडीज की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरी तरह बंद कर दे तो क्या हम उसे फिर से चालू कर सकते हैं? इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि हम किसी भी इंसान को कोमा में तो भेज सकते हैं लेकिन उसे कोमा से वापस नहीं उठा सकते। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि हम किसी को हाइबरनेट भी कर दें तो उसे वापस हाइबरनेशन से उठा सकते हैं? देखो यारो, शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन में तो हमारी बॉडीज की एक्टिविटी चालू रहती है, बस वो स्लो हो जाती है, जस्ट लाइक किसी एनिमल की तरह। बट लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन में हमें हमारी बॉडीज की पूरी एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा, और जिसकी हार्ट बीट रुक जाती है तो हम उसे मरा हुआ इंसान ही कहेंगे। अब लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन की बातों से तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसे अचीव ही नहीं कर सकते, पर यारो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन टेक्निक में हमारे बॉडीज के सारे पार्ट बंद रहेंगे, बस हमारा दिमाग चालू रहेगा, और दिमाग को चालू रखने के लिए हमें हमारे दिमाग में बहुत ही लो वोल्टेज की सप्लाई लगातार देनी पड़ेगी, और उस वोल्टेज को हम स्पेस क्राफ्ट से आसानी से दे सकते हैं। पर भाइयों, हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे हम इंसानी दिमाग को बाहर से वोल्टेज देकर एक्टिव मोड में रख पाए। अब देखो, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हम किसी तरह बॉडी को फ्रीज या अनफ्रीज कर पाए तो हम लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन को अचीव कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्टों ने इसे छोटे लेवल पर अचीव भी करके दिखाया है। हमारे साइंटिस्टों ने 15 मिलीमीटर टिश्यू को फ्रीज करके वापस उसे अनफ्रीज भी करके दिखाया है, वो भी टिश्यू को बिना नुकसान पहुंचाए। ये तो बात हो गई बायोलॉजिकल टर्म्स की, पर अगर मैं फिजिकल लॉ की बात करूं तो फिजिक्स के लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग 0 केल्विन टेम्परेचर पर पार्टिकल्स की मोशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो क्या हम इस टेक्निक से हाइबरनेशन को अचीव कर सकते हैं या नहीं? अब यारो, ऐसे कई रिसर्च चल रहे हैं जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। पर भाइयों, हमें इंसान को स्पेस में भेजने से पहले एक ऐसा स्पेसशिप बनाना पड़ेगा जो सालों तक एक्टिव रहे, और उसके लिए हमें एक ऐसे फ्यूल की खोज करनी पड़ेगी जो स्पेसशिप को सालों तक पावर सप्लाई दे पाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड की पॉपुलर स्पेस एजेंसी जैसे नासा और ऐसा हाइबरनेशन टेक्निक पर काम कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में इजीली स्पेस ट्रेवल कर पाए। तो यारो, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो सोच क्या रहे हो, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।